कंट्रो के अंदर मैं उस मकाम पे आया हुआ हूँ जो सबसे खूबसूरत और बुलंद चोटी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इसे आबाद किया और अंग्रेज इसके अंदर अपनी घोड़ियों के ऊपर आया करते थे उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमारा जो पार्ट है उसका आइकन ऊपर आ रहा है, जिसके अंदर हमने स्टील की पुलें दिखाई थी। डेरा गाजी खान से रवाना हुए थे और फोर्ट मोन्ट्रू के लिए रास्ते के अंदर जो स्टील की पुलें आती हैं वो हमने दिखाई थी। तो अभी वहां से स्टील की पुलों से अब हम रवाना हो चुके हैं, सीधा अब हम फोर्ट मोन्ट्रू की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते के व्यू दिखाते हैं और सीधा फोर्ट मोन्ट्रू का आपको चक्कर लगवाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेरा गाजी खान से जब आप फोर्ट मोन्ट्रू की जानेब आते हैं तो फोर्ट मोन्ट्रू की हदूद से पहले वेलकम टू फोर्ट मोन्ट्रू का एक बोर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इस तरह के दो रोड नज़र आते हैं, ऊपर वाला रोड कोयटा की जानेब जा रहा है और नीचे वाला रोड जा रहा है फोर्ट मोन्ट्रू की जानेब, जो नीचे खर नाम के एक छोटे से शहर से होता हुआ गुजरता है। फिर बलखाती एक रोड का सिलसिला शुरू होता है जो ऊपर पहाड़ तक लेके जाता है हमें। जी दोस्तों, फोर्ट मोन्ट्रू की पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे ये छोटा सा एक शहर है जिसका व्यू मैंने आपको पहले दिखाया है छोटा सा। ये सीधा ऊपर हम पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएंगे तो फोर्ट मोन्ट्रू के पीक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। वहां पे चलते हैं, वहां पे चल के आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, हम फोर्ट मोन्ट्रू के अंदर पहुंच चुके हैं और इस चौक को अस्पताल चौक कहा जाता है। पहुंच गए और ये सरकारी रेस्ट हाउस है जिसके अंदर हम पहुंचे हैं इस टाइम। तो यहाँ पे आपको रूम भी दिखाते हैं, उसके बाद फोर्ट मोन्ट्रू की सैर करवाते हैं। ये जी कमरा, ये सोफे वगैरह बिछे हुए हैं यहाँ पर, ये सोने की जगह है। और जो है ना इस साइड पे भी सोफे हैं और सामने वॉशरूम है। ये दूसरा जगह है, यहाँ पे आप सब लोग बैठ सकते हैं, खाना छाना खा सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं तरतीब के साथ। ये डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है खाना वगैरह खाने के लिए। और ये साथ किचन लगा हुआ है, किचन के अंदर सेल्फ कुकिंग भी की जा सकती है। अच्छा, ये बैठने के लिए इन्होंने लॉन बनाया हुआ है और पीछे सात रोड है और ये पीछे फोर्ट मोन्ट्रू का आप व्यू भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। फोर्ट मोन्ट्रू का मौसम 20 सेंटीग्रेड है इस टाइम और वैसे सर्दियों के अंदर यहाँ पर बर्फबारी होती है। डेरा गाजी खान के अंदर 50 सेंटीग्रेड था। हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो हमने फोर्ट मोन्ट्रू की फूड मार्केट का रुख किया। फिर हम पहुंच गए फोर्ट मोन्ट्रू के कलमा चौक के ऊपर। कलमा चौक फोर्ट मोन्ट्रू का बहुत पुराना मकाम है और इसके इर्द गिर्द आपको मार्केट भी देखने को मिलती है। दूसरे शहर जाने के लिए यहां से आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है। इसी चौक के साथ यहां की मशहूर मार्केट फूड मार्केट भी है। जी दोस्तों,
दोस्तों फोर्ट मंटू के बाजार के अंदर पहुंच चुके हैं, खाना वगैरह लेते हैं, तो फिर दोबारा चलते हैं अपने होटल के अंदर। तो आपको दिखाते हैं फोर्ट मंटू का बाजार। फोर्ट मंटू की मार्केट के अंदर मटन सिज्जी बहुत देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर हर दुकानदार सिज्जी जरूर बनाता है। यहाँ पर सिज्जी दो किस्म की तैयार की जाती है, एक देग वाली सिज्जी जो आप देख रहे हैं। इस देग की सिज्जी को 1300 रुपए फी केजी के हिसाब से सेल किया जाता है और ये देग के अंदर ही बनाई जाती है। सिज्जी के साथ चावल आपको फ्री में दिए जाते हैं। दूसरा तरीका मटन सिज्जी को बनाने का ये है कि बकरे के बड़े बड़े पीस कर लिए जाते हैं और उनके ऊपर अच्छी तरह मसाला लगा दिया जाता है और उनको तंदूर के अंदर ठहरा दिया जाता है। तंदूर को 5 से 7 घंटे के लिए ढक दिया जाता है। ये भी आपको 1300 रुपए फी केजी के हिसाब से मिलती हैं। फिर हमने ली दाल और उसको करवाया फ्राई। और हमने कुछ देगी पीस भी लिए। जी ये फोर्ट मंटू के अंदर इस तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं जिसके ऊपर अक्सर ईरानी चीजें मिलती हैं आपको। तो ये ईरानी चीजें जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये वाले और ये वाले, ये चीजें ये 100 रुपए की दे रहे हैं और ये तकरीबन 150 रुपए के करीब बिस्किट दे रहे हैं। तो ये जो है ना, मैंने ताफ्तान बॉर्डर पे भी देखी थी, ईरान के अंदर भी देखी थी और आप इस टाइम मैं फोर्ट मंटू के अंदर भी देख रहा हूँ। तो आप जब आएंगे तो इस तरह की बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। खाना लेकर दोबारा हम अपने होटल पे पहुंच गए और हमने खाना खाया। माशाल्लाह खाने का तो क्या ही बात है सर, हर चीज कमाल की। फिर हम रवाना हो पड़े फोर्ट मंटू घूमने के लिए। ये फोर्ट मंटू की सरकारी हॉस्पिटल है। फोर्ट मंटू सारा का सारा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है जिसकी वजह से फोर्ट मंटू के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। लेकिन मैं अब जहां पर अब आपको लेके जा रहा हूं, वहां पर पानी पहाड़ से टपकता है जिसे मकामी लोग त्रिमु कहते हैं। जी दोस्तों, त्रिमु के मकाम पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी को यहीं पे ठहराते हैं और अब हम पहाड़ की तरफ नीचे थोड़ा सा पैदल सफर करते हैं। जो ही हम पहाड़ की तरफ नीचे उतरने लगे तो हमने देखा कि यहाँ के मकामी लोगों के हाथों में बहुत बड़ी बड़ी गने थी। तो हम तो देख के ही हैरान हो गए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ के मकामी लोग इन गनों से रोजी रोटी करते हैं। मतलब ये कि जितने भी सियाह यहाँ आते हैं उनको कहते हैं कि एक फ़ोटो खिंचवाएँ गन के साथ, हमें 50 रुपये दे दें, और आप गोली चलाएं गन के साथ तो हमें 100 रुपए दे दें। इसी तरह जिंदगी में पहली बार हमने भी गन चलाई फोर्ट मंटू के अंदर। ये यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है ना, ये कलाशी वगैरह भी मतलब इस तरह की होती है, आप चला सकते हैं। ठीक है, तो पहली दफा जिंदगी में चला रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा मैं और देखा है, मार रहे वहाँ आसमान की तरफ या जमीन की तरफ सर तेरे मर्जी है। ठीक है चलेंगे। ये जी फायरिंग कर रहे हैं, कोई मतलब झटका महसूस नहीं हुआ, कोई खास ऐसा बंदा जैसे कह सके कि यार झटका महसूस हो रहा है। इसी तरह और भी बहुत से सियाह वहां पर फायरिंग कर रहे थे। फिर हम त्रिमु की तरफ चल पड़े।
मकाम पे पहुंच चुका हूँ। ये फोर्ट मंटू का त्रिमू का मकाम है। ऊपर शूटिंग की थी थोड़ी सी, शूटिंग करने के बाद नीचे आए। यहाँ पर पानी पहाड़ से टपक रहा है, ऊपर एक झील है उसका पानी ऐसा ऐसा करके पहाड़ से नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये भी खूबसूरत जगह है यहाँ की फोर्ट। जी दोस्तों, ये है वो झील जिसका पानी नीचे पहाड़ की तरफ जा रहा है। फिर हम फोर्ट मंटू के पार्क और तारीखी मकामात की जानिब चल पड़े, जो फोर्ट मंटू की सबसे बुलंद तरीन चोटी पर है। इस पार्क को फातिमा जिना पार्क कहा जाता है और इसी पार्क के साथ आपको तारीखी मकामात भी देखने को मिलते हैं। फोर्ट मंटू के अंदर मैं उस मकाम पे आया हुआ हूँ जो सबसे खूबसूरत और बुलंद चोटी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इसे आबाद किया और अंग्रेज इसके अंदर अपनी घोड़ियों के ऊपर आया करते थे उस वक्त, तो उनकी कुछ निशानियां मौजूद हैं वो भी दिखाता हूँ। और इस टाइम अब यहाँ पे डीसी हाउस बन चुका है ये सारा, और ग्राउंड वगैरह बनाया हुआ है, मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे अब अफसरान के घर बनाए हुए हैं, रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। उसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं कि अंग्रेज़ों की वो कुछ यादें। ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई वो इमारत है जो उस वक्त अदालत हुआ करती थी, और गर्मियों के अंदर यहाँ पर इंसाफ किया जाता था, और सर्दियों के अंदर डेरा गाजी खान जो यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है वहाँ पर अदालत लगाई जाती थी। ये उस दौर की अदालत है और अभी यहाँ पर इसे म्यूजियम बना दिया गया है जो अक्सरियत बंद रहता है फोर्ट मंटू। ये 6470 सतह समंदर से बुलंद इस टाइम मैं ठहरा हुआ हूँ, और ये पीछे जो तख्ती लगी हुई है ये 1950 के अंदर लगाई गई थी। ये 1950 के अंदर जो सरदार थे उनके नाम लिखे पड़े हैं, कशरानी सरदार, लुंड सरदार, बुजदार सरदार वगैरह वगैरह, बहुत से यहाँ पे नाम लिखे पड़े हैं। आप जब आएंगे तो ये तख्ती भी आप देख सकते हैं। इसी पहाड़ के ऊपर से आप फोर्ट मंटू का पूरा शहर भी देख सकते हैं। साथ ही मौजूद फातिमा जिना पार्क, उसके अंदर फिर हम चले गए। फोर्ट मंटू की झील की तरफ चल पड़े। फोर्ट मंटू के अंदर ये वो झील का मकान है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, और बहुत से सियाह यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सर्दियों के अंदर बर्फबारी भी होती है, तो ये मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ जिसके अंदर बर्फबारी हो रही है, सर्दियों की तस्वीर है ये। उसके बाद अभी यहाँ पर बोट वगैरह भी चलाई हुई है, पानी का यहाँ पर स्रोत ज़रा ज़्यादा है पहले की नस्बत, इसीलिए यहाँ पर आप बोट वगैरह भी चलाएगी और बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं आप अगर आप फोर्ट मंटू आएँगे।
जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी फोर्ट मंटू की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।